मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अलमास कॉलोनी घासवाला कंपाउंड स्थित ख्वाजा पैलेस सीविंग 5 मंजिला इमारत में तीसरे और चौथे मंजिले पर स्लैब गिरा है। यह स्लैब 1 और 2 तारीख को गिरा था। ये इमारत धोखादायक है, C2A कैटेगरी में मनपा ने इसे घोषित किया है। इमारत को खाली कर रिपेयरिंग किया जाना है। इमारत में 22 परिवार रहते हैं और इमारत के काम को लेकर विवाद भी है। मनपा के कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी ने बताया है कि स्लैब 1 और 2 तारीख को गिरा, मगर इमारत में रहने वालों ने इसकी सूचना मनपा को नहीं दी। इमारत धोखादायक है और इस इमारत को खाली कराकर इसे रिपेयरिंग करना होगा। वहीं इस इमारत में रहने वाले लोगों को किराए पर दूसरी जगह रहने के लिए जगह दी जाएगी, मगर वहीं इमारत में रहने वाले इमारत खाली करने को राजी नहीं है। इनका कहना है कि जहां स्लैब गिरा है 1 और 2 मंजिले पर उन्हीं मकानों को सिर्फ खाली कराया जाए, ना कि पूरी इमारत खाली कराई जाए। कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी और जमील काजी सोसाइटी के सेक्रेटरी और जो इमारत की ऑडिट रिपोर्ट सैयद इम्तियाज़ अहमद ने की थी, उनकी टीम के अताउल्ला ने क्या कहा। उसका एक सवेरे फ़ोन आया 11:30 बजे कि उसका एक स्लैब गिर गया। तो हम आया देखने, बिल्डिंग देखा तो एक स्लैब उसका गिर गया था, मगर वो खाली था, इसके लिए कोई हादसा नहीं हो गया। तो इन लोगों को पूछा कि पहले तुमने ऑडिट करके लिया है क्या, तो वो लोग बोले कि दो दिन पहले ऑडिट किया है हमने। तो उनको बोला कि तुमने जब ये कंडीशन स्लैब की बेंड हो गई, स्लैब हो गया था, तब उसको कितना दिन हो गया। तो उसके बोले एक 20-25 दिन हो गए। तो तुरंत म्यूनसिपलिटी को इन्फॉर्मेशन करके देना मांगता था, तुमने नहीं दिया। वो बोले नहीं, हमने एक कंसल्टेंट दिया स्टकवेल वेब बोल के, उनकी तरफ से हमने ऑडिट करके लिया। तो स्टकवेल का जो इंजीनियर है उनको मैंने बुलाया कि जो ये काम हो रहा है ये हमारे सुपरविजन में हो गया क्या। वो बोला हमारे सुपरविजन में ये काम नहीं होगा, अपॉइंटमेंट भी हमसे नहीं लिया। तो इसका जो काम हो रहा है वो प्रॉपर वैसे नहीं हो रहा है। उसका पहला कैसा है, बिल्डिंग रिपेयरिंग में कॉलम को स्ट्रेंथनिंग देना पड़ेगा, जैकेटिंग देना पड़ेगा, बीम को स्ट्रेंथनिंग देना पड़ेगा, फिर स्लैब पे बोले तो मेन बॉडी स्ट्रक्चर RCC स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथनिंग देने का। इन्होंने किया, फ्लोरिंग का काम किया, अच्छा टाइल्स का दीवार का लगाने का काम। मैं बोला जिसके ऊपर लोड आता है वो मेंबर पहले रिपेयर होना मांगता था, तुमने फालतू काम किया। वो उनके जो जमील बोल के सेक्रेटरी, उनको पूछा कि भाई तुमने RCC कंसल्ट का ओपिनियन लिया क्या, बोले हमने ओपिनियन नहीं लिया। और वो ये काम RCC कंसल्ट के इंजीनियर को पूछा तुम्हारे सुपरविजन काम हो गया क्या, वो बोले हमारे सुपरविजन में ये काम नहीं हो गया। तो ये पब्लिक से पैसा जमा करने का और गलत जगह पे यूज़ करने का ये गलत है, और बिगर हमको किसी ने भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। कितने कितने माले पे गिरा है स्लैब जो गिरने के बाद, ये 2, 3 और 4 तीनों ही, दूसरा गिर गया है और तीसरा वो गिरने के बाद में वो उन्होंने तोड़ा है और तीसरा सैग हो गया। प्रशासन को कोई इन्फॉर्मेशन किया? बिल्कुल नहीं। 11:30 बजे हमको आगे मिला, 11:30 बजे आए तो हम 12 बजे इधर आ गए। सर अभी क्या उसका उपाय, अभी क्या इमारत खाली कराई जा रही है? स्ट्रक्चरल ऑडिटर का जो रिपोर्ट है, स्ट्रक्चरल ऑडिटर का रिपोर्ट C2A कैटेगरी में, ऐसे हमने विजिट किया तो विजुअल इंस्पेक्शन के हिसाब से C2A में ही है। तो C2A का मतलब है इमारत खाली करके उसको रिपेयर करना, तो किसी को कोई हादसा भविष्य में न होवे इसलिए तुरंत इसको खाली किया जाएगा और वो लोग आगे का प्रोसीजर रिपेयरिंग का चालू करेंगे विद परमिशन ऑफ TMC। जो अगर खाली किया जाएगा इमारत तो जिसमें लोग रहते हैं उनको क्या कहीं रहने, उनको TMC के पॉलिसी के हिसाब से जो भी अभी वरिष्ठ अधिकारी उनका जैसा लेटर आएगा वैसा डिसीजन ले लेंगे और उनको इन्फॉर्म करेंगे। रिपेयर अगर शुरू भी किया तो सबसे पहले आपको कॉलम को मजबूत करना चाहिए जैकेटिंग या पॉलीमर ट्रीटमेंट करके, फिर आपकी जो बीम है RCC उसको मजबूत करना चाहिए। कॉलम और बीम एक बार मजबूत हो जाते फिर उसके बाद आप स्लैब डालिए, है ना। तो वैसा ना करते हुए सीधा स्लैब में काम शुरू किया जो तरीका सही नहीं है जी। कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं? अब सोसाइटी के लोग हैं पर्सनली जो है आप, जिन्होंने जिनका घर है उन्होंने ही काम शुरू किया क्योंकि उनके अभी सर पे छत नहीं है तो उन्होंने काम शुरू कर दिया, लेकिन करने का तरीका गलत रहा जी। पे आपने जो TMC में कि अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की, TMC रिपोर्ट हमने सबमिट कर दी है, सोसाइटी को सबमिट हमने कर दी है कॉपी, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी देती है उनको। देखो इन्होंने जो सबसे पहले इन्होंने जो ऑडिट किया, ऑडिट करने के बाद में जिस हिसाब से काम करना चाहिए वो हिसाब से लोग काम नहीं कर रहे,
मैं खुद पर्सनली ऊपर जाके देख कर आया हूँ। तीन माले का थर्ड फ्लोर का ही स्लैब है ना, थर्ड सेकंड का स्लैब और थर्ड का फ्लोर, हाँ सेकंड का स्लैब पूरा हाँ ख़त्म हुआ है, पूरा डुप्लेक्स हो गया है वो, और उसके ऊपर चौथे माले पे भी स्लैब काटने की वजह से पूरा ऐसा बैंड हो गया है, और बिना किसी के निगरानी में ये काम कर रहे हैं। ऐसा काम नहीं होना चाहिए, बहुत गलत तरीके से हो रहा है। बिल्डिंग का ये लोगों ने सीढ़ी इतनी खूबसूरत बना दी है, ग्रीन मार्बल लगा है, टाइल लगा के ऊपर तक काम कर रहे हैं। वही काम अगर कॉलम के रिपेयर में जैसा इन्होंने ऑडिट करके उनको रिपोर्ट सबमिट किया, वो हिसाब से काम करना चाहिए, अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहिए। अभी ये बिल्डिंग की पोजीशन ऐसा है कि इसको वैकेंट करके ही इसको रिपेयर करना चाहिए। अभी उनको सजेशन तो दे रहे हैं हम लोग। हादसा जो है कितने बजे हुआ, स्लैब जो गिरने की घटना? नहीं है, ये स्लैब तो शायद पहले से ही गिरा हुआ है ना, चोट वोट तो किसी को लगी नहीं किसी ने, और ये लोगों ने रिपोर्ट भी कॉरपोरेशन को सबमिट नहीं किए। किसी ने कॉल किया है तो उसके बाद में हम लोग को भी, मुझे भी फ़ोन आया हमारे एग्जीक्यूटिव गोसाई साहब का, तो मैं इमीडिएट उनके साथ में यहाँ इंस्पेक्ट करने के लिए पहुँच गए। अब ऊपर जाके देखेंगे तो पोजीशन बहुत ख़राब है, सेकेंड फ्लोर पर तो बच्चे चार जैक लगे हैं, बीच में बेड है, उस पर बच्चे लोग सोए हुए, अगर कुछ हादसा हुआ तो बहुत नुकसान होने का खतरा है। तो इसीलिए इनको अभी ऐसा करना चाहिए, इसको खाली करके हम पूरी कोशिश करेंगे रेंटल बेसिस में, दोस्ती पे 2 से 3 हज़ार में इनको किराए पे रूम मिलता है, खाली करके उनको वहाँ शिफ्टिंग देंगे। कितने फैमिली है? 22 फैमिली है उसमें। ख्वाजा पहले सी विंग का सेक्रेटरी हूँ। एक हफ्ता पहले हमारे उधर एक अनप्रोफेशनली काम करने की वजह से 203 का स्लैब गिर गया। 203 का स्लैब गिरने की वजह से हमने, उससे पहले हमने अपना स्ट्रक्चर ऑडिट में डाल दिए थे, और स्ट्रक्चर ऑडिट फिर उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद स्ट्रक्चर ऑडिट हो गया, और स्ट्रक्चर ऑडिट के दरमियान उन्होंने कहा गया कि ये बिल्डिंग आपको जल्द से जल्द रिपेयर करना है। तो हमने वो हिसाब से रिपेयर के हिसाब से हमने कोटेशन लेना स्टार्ट किए हैं। तो जैसी कोटेशन, अभी 2 कोटेशन आ चुके हैं, और कोटेशन जैसे आते हैं वो हिसाब से हम रिपेयरिंग काम करने वाले थे एज़ पर एक्सपर्ट ओपिनियन। तो हम ये इल्तजा करते हैं कि हमको 1 महीने का टाइम दिया जाए ताकि हम अपना काम स्टार्ट भी कर सकें, और इमीडिएटली हम वैकेंट को करा नहीं सकते। इमीडिएटली वैकेंट करा के कैसा जाइए, ये 22 घर हैं यहाँ पे, 22 घर इमीडिएटली कैसा वैकेंट कर सकते हैं। इतना भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपना अधिकारी से कि आप अपने इंजीनियर से एक बार स्ट्रेंथ कितना है इसका पिलर का, और इसका मजबूती कितनी है वो देख ले, और ये भी देख ले कि कौन सा एरिया ज़्यादा ये है उसको खाली करें, जो ज़्यादा कमज़ोर है, जो ज़्यादा रहने के लायक ही नहीं है उसको खाली करें, और जो रहने के लायक है फिलहाल उसको खाली ना कराते हुए हम उनको काम स्टार्ट करने की परमिशन दें। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अधिकारी से, टीएमसी अधिकारी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पहला एक स्ट्रक्चर ऑडिट के हिसाब से आप लोग पिलर का और बीम का ये मजबूती देखिए, और जो एरिया ज़्यादा ये है वो लाइन खाली कराए, वो लाइन के हिसाब से वो लाइन खाली करा के हमको परमिशन दीजिए कि हम अपना काम स्टार्ट करें इमीडिएटली। पूरे की पूरी बिल्डिंग खाली करना ये सॉल्यूशन नहीं है, ये कैसा सॉल्यूशन है पूरी की पूरी बिल्डिंग खाली कर दें। 22 रूम है, अभी 25 लाख का अगर कोटेशन है, 26 लाख का आता है, तो कहाँ से 2-2 लाख रुपया निकाल के हम ये कर सके बैठ सकते। तो जो लाइन ख़राब है, जो लाइन ज़्यादा डेंजरस है उसको खाली किया जाए, और हमको रहने की परमिशन देते हुए हम रिपेयरिंग का काम करने की इजाज़त दी जाए। बस मैं इसे मुझसे ये रिक्वेस्ट, इशू को समझा जाए पहले कि जो 303 का जो स्लैब फ्लोर गिरा वो स्ट्रक्चरल इशू की वजह से नहीं गिरा, वो इम्प्रॉपर वर्किंग की वजह से गिरा, अनप्रोफेशनल काम किया गया इसकी वजह से वो स्लैब गिर गया नीचे। तो इसके वजह से म्यूनसिपालिटी आके स्ट्रेंथ खड़े नहीं हो सकते, पहले पूरी बिल्डिंग खाली करा दो, खाली कर दो, ये कोई तरीका नहीं है। जबकि स्ट्रक्चरल रिपोर्ट बिल्डिंग की आ चुकी है तो उसको वेरीफाई करे, वो अपने अपने सोर्स अपने इंजीनियर्स को लगे वेरीफाई करे कि स्ट्रक्चरल रिपोर्ट जो सोसाइटी ने कराई बराबर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। ऐसे खड़े पैर पाएगी अब खाली करो, हम 3,000 रुपए भाड़े में उधर देते हैं, ऐसा कहाँ जाएंगे, इमीडिएटली कहाँ वैकेंट कर सकते हैं। देखो बिल्डिंग इतनी कमजोर भी नहीं है कि आप बोलोगे कि अब भी 10 मिनट में अपना सामान लो और जल्द से जल्द उतर के नीचे आ जाओ, ऐसा नहीं है। जिन लोग का रूम ज्यादा डेंजर है आप मेहरबानी करके आप उनका खाली करा दो, और बाकी के जितने भी मेंबर है आप हमको वक्त दे दो, कम अज कम 15 दिन का तो हम सबको वक्त चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे रूम में सबके घर में बच्चे है, सबके स्कूल है, ट्यूशन है, तो आप बोलोगे सामान लो बैग लो निकलो तो ऐसा नहीं हो सकता। और पूरी बिल्डिंग इतनी तो डेंजर नहीं है कि बस सामान लो और भाग जाओ, डेंजर बिल्डिंग हाँ हो चुके हैं। इसके लिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वक्त दो हम लोग को, 15 से 20 दिन का सब खाली हो जाएंगे, और जो ज्यादा डेंजर में है जैसे 4th फ्लोर वाले आप उनको खाली करा दीजिए, ठीक है। और उनको भी आप ये नहीं बोलिए कि सामान लो निकलो, उनको भी 1 से 2 दिन का वक्त दे दो ताकि वो भी थोड़ा सेटल हो जाए कम अज कम, हाँ क्योंकि सबके घर में बच्चे, फौरन कोई कपड़े लेके नहीं निकल सकता, ठीक है।
मनपा ने बताया कि ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार इमारत धोखादायक है और लोग इमारत को खाली कर रिपेयर करें, मगर वहीं इमारत में रहने वालों का कहना है कि जो स्लैब गिरा है तीसरे और चौथे मंजिले पर वही खाली करवाई जाए, न कि पूरी इमारत। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।